एपीआई मैनेजमेंट फंडामेंटल्स। बेसिकली मैंने इस वीडियो में तुम्हें थोड़ा फास्ट फास्ट समझाया है क्योंकि हमें बेसिक से चीज़ें तो पता है, ठीक है, बस हम एक आइडिया लेना चाहते हैं ये लैब कैसी है। तो बेसिकली ये लैब में अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके लिए सब क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप जो लिखा है लैब में उसको पढ़ते जाओ और करते जाओ, ठीक है। वीडियो को देख लेना एक बार स्टार्टिंग में पूरा, उसके बाद इस लैब पे जाना क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या क्या है, ठीक है। बेसिकली अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उसको ओपन करने के लिए, और ठीक है जैसे ही ओपन होता है आगे काम करेंगे। और थोड़ा लेंदी लैब है डेफिनेटली यार, 2 घंटे की लैब है। तो सबसे पहले यार यहाँ पे VM इंस्टेंस पे जाना है तुम्हें, ठीक है, ओपन कर देना इसको और ये सारे लिंक जो हैं ये लैब के अंदर ही दिख जाएंगे, ठीक है। बेसिकली अब क्या करना है, इसमें RDP पे जाके इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद इसमें लिखा है कि विंडोज़ वालों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीधा ओपन कर सकते हैं, और यूज़र नेम पासवर्ड दे रखा है तो मैंने ओपन कर दिया था इसको, ठीक है। तो ये ओपन हुआ, मैंने स्टूडेंट्स स्टूडेंट लिखना है यूज़र नेम, ठीक है, तो चेंज करने को आएगा। अब बेसिकली ऐसा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, RDP का मतलब एक हमारा अलग सा विंडोज़ ओपन हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिखी हैं, मैंने पढ़ के देखा, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन करा, ठीक है, सारे परमिशन को अलाउ कर देना, ठीक है, क्योंकि सोर्स अननोन है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज़ जो है हमें इसमें खोलनी है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे गूगल क्रोम पे गया, और देखो मैं स्क्रीन बड़े करके दिखाऊंगा तभी पूरा दिख रहा है, और लॉगिन आईडी सेम रहेगा जो कि इसमें दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ खुल जाएगा, APG कहेंगे या APIG कहेंगे, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है ना बस, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ जैसे ही पेस्ट करेंगे डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, YAML की फ़ाइल है। और क्रिएट एन API प्रॉक्सी जो है ये लिखा हुआ है ना इसमें, ये है ना, इसका कुछ देखना नहीं है, हमें बस डाउनलोड करना था। नीचे आ जाते हैं, ये सारे स्टेप्स हैं, मैं इसको कर अच्छा यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ गई थी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और मैं तो इसको हटाने ही वाला था, ठीक है, मैं क्लोज़ करने वाला था मगर तभी आ गया, यानी थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम या फिर स्लो हो जाता है क्योंकि ये सर्वर जो है US में है ना। तो डेवलपर पे जाके API प्रॉक्सीज पे जाके आगे का काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट नाउ पे जाके यहाँ पे तुम दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, इस तरह से जाना है। तो यहाँ मैंने ओपन API पे गए और जो फाइल डाउनलोड करी थी उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉक्सी का नाम लिखना है और बाकी की डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। ये साइड में कर रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत सी हो रही है, इसको सेंटर में लाने की कोशिश करी मैंने, है ना। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद टारगेट में जो है वो लिखा हुआ है, ये डिटेल है ना। उसके बाद ये देखो यहाँ मतलब क्या है, बेसिकली जो स्टेप्स लिखे हैं वो पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंगली चलना है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्रिएट और एडिट प्रॉक्सी का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब काम हो गया, पहला काम कंप्लीट है। सेकंड काम पे आते हैं, बहुत सारी थ्योरी है बेसिकली, है ना, डेवलपर। तो देखो इस तरह से डेवलपर मोड पे गए और यहाँ पे प्री फ्लो पे स्टेप प्लस करना है, ठीक है, वेरीफाई API की पे नाम रखना है उसका। तो देखो प्री फ्लो स्टेप प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे गए तो प्री फ्लो पे मैंने क्लिक करा, स्टेप प्लस पे वेरीफाई API की लिखा, ठीक है। पहले असल में यहाँ पे वेरीफाई API की पे सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी आप नाम डिस्प्ले करोगे ना, वरना नाम चेंज हो जाता है। ऐड कर दिया हमने, ठीक है, फिर ये कोड वहाँ पे पेस्ट करना है जैसे नीचे आ रहा है, सिंपली पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर अब क्या करना होगा, सेव करना होगा। सेव करने का ऑप्शन यार थोड़ा खिसका के मिलता है, ठीक है, स्क्रीन से थोड़ा साइड में, मेरे को बाद में पता चला, ओके कर दिया। और डिप्लॉय टू ईवेल, ठीक है, अब डिप्लॉयमेंट की बात आ गई है, यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, डिप्लॉय कर दिया। अब बेसिकली डिबग करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ईवाल रिव 2 पे जाना है और जैसा यहाँ पे लिखा है ना वैसा करना था, मगर असल में मैंने ये थोड़ा सा बस यहाँ पे ऐसे चेक करके देखना है कि स्टार्ट डिबग करके देखना, ठीक है, ये थोड़ा कंपलसरी भी नहीं है, ऑप्शनल टाइप है, ठीक है। एनीवेज ये करने के बाद यार API प्रोडक्ट बनाते हैं अब, ठीक है, यहाँ पे जाओ पब्लिश पे, API प्रोडक्ट पे जाके क्रिएट पे नाम लिख दो उसका, डिस्प्ले नेम लिख दो, और डिस्क्रिप्शन लिखो ना लिखो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं कई बार छोड़ भी दूंगा उसको,
ठीक है, जस्ट इन केस अभी तो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अब ऑपरेशंस पे जाना है, ईवाल पे जाना है, पब्लिक कर देना है एसएस को, और यहाँ पे ऐड एन ऑपरेशन पे जाके हमारे पास जो दे रखा है ना, ये देखो हिपस्टर प्रोडक्ट एपीआई, और साथ में स्लैश लगा देना है ये वाला, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं छेड़ना, सेव करा उसको, और बस अब सेव करने के बाद सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, पॉपअप में। अब यहाँ पे ये देखो इस तरह से प्रोडक्ट डेवलपर पे जाओ, अब फर्स्ट नेम टेस्ट लिखा, फिर डेवलपर लिखा लास्ट नेम, फिर ईमेल लिख दिए, और मैं साथ में यूज़र नेम के लिए टेस्ट डेव लगाना है, ठीक है, फिर इसको क्रिएट कर देना है, ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ये हमारा आगे काम आएगा। नेम लिखना है, अब ये देखो इसके में अब ऐप्स में जाना है, ठीक है, बेसिकली ऐप का नाम हमारा ये है हिपस्टर प्रोडक्ट ऐप, और हिपस्टर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और इतने में नहीं होगा हमारा क्योंकि मैंने अभी क्रिएट नहीं करा, ठीक है, अब क्रिएट हो गया, ठीक है, अब अप्रूव जैसे लिखा हुआ आता है तब हो जाता है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा आगे का काम है, और ठीक है थोड़ा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है, प्रोडक्ट डिटेल लगानी है, ब्रॉन्ज, ठीक है, असल में क्या है यहाँ पे ब्रॉन्ज है, सिल्वर है और गोल्ड तीनों है, कि वो कहते हैं ना प्रीमियम मिलता है कंटेंट, है ना, वैसा कुछ प्रीमियम एपीआई मिलती है, ठीक है, तो यहाँ 1-3 रिक्वेस्ट एवरी 1 मिनट है ना, तो हमें यहाँ पे 3 लगाने हैं, 1 और मिनट, तो ये कर देना ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, और हिपस्टर प्रोडक्ट एपीआई जो कि हमने बनाई थी उसको सेव कर देना है, और सेम प्रोसेस हमें करना है यार ये सिल्वर और गोल्ड के साथ भी, ठीक है, सेम है, एक का आपको आ गया तो दोबारा से कर सकते हो, देखो अभी जैसे ये सिल्वर है, ठीक है, आप डिस्प्ले नेम लिखाना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एडिशनल है, ठीक है, मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ईवाल कर दो, पब्लिक कर दो, यहाँ पे 10 थे 1 मिनट में, है ना, 10 कोटा सेव कर दिया, सेम गोज फॉर गोल्ड, ठीक है, नाम लिखा, डिस्प्ले नेम लिखा, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ईवाल लिखा, पब्लिक कर दिया, और यहाँ पे 100 रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि गोल्ड अगर किसी ने एपीआई का ख़रीदा है तो फिर उसको 100 रिक्वेस्ट देने का मौका मिलेगा, ठीक है, तुम्हें पता होगा एपीआई पे रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो हमें रिजल्ट देती हैं। तो अब देखो ऐप्स पे जाना है, ऐप्स का नाम लिखना है एंड्रॉयड ऐप फ्री, ठीक है, हिपस्टर एंड्रॉयड ऐप फ्री, जैसे यहाँ डिटेल दे रखी है, ठीक है, ये सब डालने के बाद मैंने ऐड वन करना है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ आ जाएगा खुद ही आता है, ठीक है, ऐड वन करने के बाद इसको भी अब एंड्रॉयड बेसिक ऐप जो है हमने एक तरह से बना दिया, एक और बनानी है यार, देखो इस तरह से, ठीक है, और गोल्ड के लिए भी बना देते हैं, ठीक है, तीनों के लिए ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड तीनों के लिए बनानी है, प्रॉक्सीज में कोटा पॉलिसी बना देते हैं कि किसका कितना कोटा है, एपीआई प्रॉक्सीज पे गए, हिपस्टर पे गए, डेवलप पे गए, प्री फ्लो पे, है ना, कोटा प्रोडक्ट्स करना है, पहले कोटा को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही कोटा प्रोडक्ट्स करेंगे, ठीक है, तो नाम चेंज हो गया, ऐड कर देंगे इसको, और अब डिप्लॉय करने का ऑप्शन, पहले तो ये कोड पेस्ट करना है, ठीक है, तब जाके ही तो सेव होगा, सेव कर देंगे बेसिकली जो है इस चीज़ को, करने के बाद डिप्लॉय टू ईवाल पे क्लिक करना मत भूलना, तभी जाके मेरा ये वाला भी पार्ट हुआ, ठीक है, तो बेसिकली अब पार्ट 4 पे आ जाते हैं, पार्ट 3 तक हो गए, ठीक है, एपीआई प्रॉक्सी को आगे कंटिन्यू करना है, पहले जिप फाइल को डाउनलोड कर देना है, ठीक है, बस ओपन करना था उसको, डाउनलोड हो गई, अब इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इंपोर्ट रिवीजन पे जाना है डेवलपर में, है ना, और वो जो जिप फाइल डाउनलोड करी थी उसको यहाँ अपलोड कर देना है, ठीक है, अपलोड करने के बाद यार एक और चीज़ है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है, ये जो है यहाँ पेस्ट करा तो तुरंत डाउनलोड हो जाती है, YAML की फाइल है, ठीक है, और इसमें थोड़ा एडिट वेडिट करना पड़ेगा, आगे कर देंगे उसको, ठीक है, बेसिकली अभी जो करना है वो डिप्लॉय पे ज़रूर करना है, ठीक है, जो भी सेव करोगे तुम डिप्लॉय टू ईवाल ज़रूर कर देना, जब भी डेवलपर ऑप्शन में तुम कुछ भी चेंजेस करोगे तो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, हमें आगे ऐसे करके बढ़ना है, तो मैंने सोचा कि पहले आगे बढ़ लेते हैं यार, ठीक है, फिर YAML की फ़ाइल में चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने ऐप बनाई है उसको अब लॉगिन करने का टाइम आ गया है, तो पोर्टल्स पे जाके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है ना, मैंने इसको पहले जूम इन करना पड़ेगा, तब जाके गेट स्टार्टेड दिखेगा, दिखा गेट स्टार्टेड, अब यहाँ पे नेम, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ना सबसे पहले नेम लिख दो इसका, डिस्क्रिप्शन डालो ना डालो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं क्रिएट कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, फिर आते हैं पब्लिश द ब्रॉन्ज, ठीक है, ये ब्रॉन्ज के लिए फ्री मिलेगा, तो हिपस्टर प्रोडक्ट एपीआई ब्रॉन्ज, ये चीज़ हमारे लिए फ्री है,
ठीक है तो हम क्या करेंगे यार, आगे चलते हैं फटाफट से। APIs कैटलॉग पे गए, जैसा जैसे यहाँ लिखा है वैसा वैसा करना है। ठीक है तो उसे पहले ब्रॉन्ज लिखा है यहाँ पे और नेक्स्ट कर दिया, फिर ओपन API पे जाके। हाँ तो यहाँ पे अपलोड करनी है वो YAML की फ़ाइल, ठीक है। बेसिकली ये वाली हिपस्टर है ना प्रोडक्ट YAML API ML। तो बेसिकली क्या हो रहा था यार, मैं इसको डाउनलोड करने, इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसको एडिट करना था अकॉर्डिंग टू द लैब इंस्ट्रक्शंस, है ना, हो नहीं रहा था ओपन। तो अब क्या करते, तो मैंने ऑनलाइन जुगाड़ लगाया। तो बेसिकली यार ये जो है ना, एक इस कोड में हमें eval.cloudlearning.com करना है, ठीक है, जहाँ पे भी दिख रहा होगा तुम्हें। हाँ होस्ट लिखा है ना, योर API होस्ट, वहाँ पे चेंजेस करने हैं। तो मैंने बहुत कुछ सोचा, फिर मैंने ऑनलाइन एडिटर ढूंढा YAML का, ठीक है, उसमें चेंजेस करे। तो जो मैंने फ़ाइल को डाउनलोड कर रखा था यार, उसको यहाँ पे ओपन करने की कोशिश की तो इस तरह से आ गया, है ना। और जो लिखा है उस चीज़ को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा जैसा ये बोल रहे थे, ठीक है। तो चले गए वापस उसमें, यहाँ पे होस्ट की जगह वही चीज़ लिखी जो इन्होंने बोला, उसको फिर सेव करने की बात आती है, ठीक है। इस नाम से सेव करना था तो मैंने सेव करा, डाउनलोड कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डाउनलोड ही टेक्स्ट फाइल हुई, क्योंकि अब टेक्स्ट फाइल नोटपैड में खुल जाती है, तो इसका फ़ायदा हुआ हमारे कि मैंने नोटपैड पे खोला, फ़ाइल को सेव करा YAML फाइल के नाम से, ठीक है, ओवरराइड कर दिया पुरानी वाली को क्योंकि हमने एडिट करा है, ठीक है। अब उसको अपलोड कर दिया यहाँ पे जैसा कि इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है, अपलोड हो गया। आगे की बात, तो यहाँ पे अब हमें नाम वगैरह सेलेक्ट इमेज करनी है। तो इमेज के लिए हमें ये लिंक दे रखा है, इस URL को, ठीक है, पहले रजिस्टर पे ज़रूर क्लिक कर देना, फिर इस URL पे जाएं, है ना। तो इस तरह से कुछ दिखेगा। अब हमें बेसिकली हमारा जो ऐप है उस पर साइन इन करना है। मेरा मन था ये टास्क कंप्लीट हो, तो मैंने चेक करा प्रोग्रेस, कुछ नहीं हुआ, कैसे होगा, कंप्लीट ही नहीं किया था। तो फिर हम चल गए आगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लॉन्च करने को ऐप को, तो मैंने लॉन्च करा तो हाँ ठीक चल रहा था। अब साइन इन करना है यार, मैंने सोचा कि ईमेल आईडी अपना कौन डालेगा, है ना, पहले तो क्रिएट एन अकाउंट करना है बेसिकली। मैंने सोचा कोई रैंडम वैल्यू डाल दूँ, KK लिख दिया मैंने, और ईमेल में इन्हीं का ईमेल दे दिया, ठीक है, जो ये दे रहे हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। पर ईमेल कंफर्म करने में थोड़ा दिक्कत आ गई, क्योंकि ये जो क्विक लैब्स के जीमेल है ये अकाउंट चलता नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ईमेल रिसीव नहीं हो सकता, तो हम तो फंस गए। तो मैंने सोचा कि यार अगेन इसमें अकाउंट क्रिएट करें, इस बार अपने जीमेल अकाउंट से करेंगे, क्योंकि दैट्स हाउ वी कैन ओनली टेस्ट द ईमेल, ठीक है, तभी उन्होंने ब्लर कर रखा था। फिर मैंने अपना ईमेल डाल दिया, ठीक है, और पासवर्ड के लिए मैंने कोई भी रैंडम पासवर्ड चुना, ठीक है, दिखा दूंगा, ठीक है, इस तरह का पासवर्ड है, अब मुझे खुद याद नहीं रहेगा ये, सेव कर देते हैं, हमारा तो है नहीं। फिर अपना जीमेल चेक करा तो हाँ क्विक लैब से एक आ रखा था, इसको कॉपी करा और इन्हीं के सर्वर पे जाके पेस्ट करा, ठीक है, मैं सर्वर बोल रहा हूँ उसको, इनका विंडोज़ जो भी है, ठीक है। तो लॉगिन हो गया, अब साइन इन करना पड़ेगा, वही सारी डिटेल्स ही, एरर सा आ गया पता नहीं क्यों। रिफ्रेश करा, बैक गए तो ठीक हो गया, ठीक है, मेरे को दिखने लग गया था जो चाहिए था, ठीक है। अब हमें बेसिकली ऐप क्रिएट करनी, हाँ ये सब जो कह रहे थे वो आ रहे हैं, 401 ओके लिखा हुआ आया। अब होम पे गए, API पे गए, चेक करा, ठीक है, बेसिकली अपने नाम पे जाना है और न्यू ऐप पे जाना है, न्यू ऐप का नाम लिखना है, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखी है अगेन वैसा वैसा करना है। अब चेक करके देखा तो हो गया, बेसिकली फोर्थ पार्ट भी हो गया, फिफ्थ पार्ट है अब, काफ़ी देखते हैं कितना लंबा है, ठीक है, थ्योरी दिख रही है और कैसे करेंगे, ठीक है। कंसोल ये क्लाउड पे जाना है बेसिकली, वही चीज़ है ये, ठीक है, ओपन करेंगे तो वही खुल गया जो हमारा गूगल क्लाउड का जो होता है, ओपन करा इसको। अब यहाँ पे शेल दिख गया, कमांड पेस्ट करनी थी जैसा ये कह रहे हैं, तो मैंने पेस्ट कर दी, इतनी जल्दी चेक नहीं होगा, ठीक है, मैं बार बार बेसब्र हो रहा था, नहीं होना है, बहुत लंबा टाइम लग गया, देख ही रहा होगा आपको एंड लैब के सामने, ठीक है। डेवलप पे गए, API प्रॉक्सीज पे गए और जैसा इंस्ट्रक्शंस थी, अब यहाँ पे दिखा मैं एक्सट्रैक्ट वेरिएबल, कॉपी करा ये कोड, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दिया। पहले मैंने सोचा कि इतना हिस्सा ही पेस्ट करूँ, क्योंकि ऊपर XML क्या पता रहने देते हैं, ठीक है, फिर आगे जाके हटा दिया था। अब जी प्रोडक्ट डिटेल लिखना है, सेम है, कोड कॉपी करना है, ठीक है, तो यहाँ गए,
जी प्रोडक्ट डिटेल पे, स्टेप पे क्लिक करा, डेटा कैप्चर पे क्लिक करा, जैसा ये कह रहे हैं वैसा करा है, ठीक है। ऐसा मत सोचो रटना है तुम्हें, जो दिख रहा है वो करना है, सेव एंड डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो सेव कर देते हैं और डिप्लॉय टू इवैल कर देना है। बार बार चेक कर रहा था मैं, ठीक है, इतना बेसब्र, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो जाता है, लगभग 1.5 आवर लग गया, ठीक है। अभी तो तुम्हें फास्ट दिख रहा होगा, तो ऐसा मत सोचो कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत है यार। वो तुम्हें एक शर्ट का सपना देख रहे हो तुम, वो शर्ट को छोड़ो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, ठीक है। ये नौकरी लगवा देती है लोगों की, अगर तुम्हें, तुम कितना बढ़िया काम कर रहे हो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है अभी, ठीक है। तुम लोगों की पेमेंट के हिसाब से, अगर उसने ब्रॉन्ज़ का ले रखा है तो वो उतने रिक्वेस्ट दे पाएगा, गोल्ड का ले रखा है तो API रिक्वेस्ट के लिए तुम काम करवा रहे हो, ठीक है। तो मैंने ये दोनों भी पढ़ दिए, नेम में प्रॉक्सी ढूंढना था तो यहाँ गए, ठीक है, यहाँ पे प्रॉक्सी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। मिला नहीं मेरे को शुरू में, फिर यहाँ प्रॉक्सी पे क्लिक करा, यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेशन, और ये पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं मिलेगी वैल्यू। तो अपने मुकाम के पूरे पास हैं, जैसे ही मैंने क्रिएट करा और क्रिएट करके चेक करा, और हमारा फाइनली असाइनमेंट कम्प्लीट हो गया। तो ये था हमारा ऑफिशियल कम्प्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट, लगभग 16-17 मिनट का एडिट लग गया इसमें, ठीक है। तो बहुत हार्ड वर्क है यार, 1.5 आवर लगे, तो तुम्हें भी लग जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम है कि नहीं है ये तो किसी को नहीं पता, बट एक चीज बहुत अच्छे से पता है, वो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को तेजी से दबाओ तो ग्रे हो जाता है।